तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हीरो की एचएफ डिलक्स में आप एयर फिल्टर को कैसे साफ कर सकते हैं। इसको साफ करने का सीधा सा सिंपल है, ज़्यादा आपको कुछ लगेगा नहीं। कोई बोल्ट दिखेगा जिससे आपको स्क्रू ड्राइवर की वजह से खोल लेना है। जैसे आप इस बोल्ट को खोलोगे, आपका ऊपर वाला कवर बाहर आ जाएगा। इस कवर को बाहर निकालते से ही आपको अंदर एक और कवर मिलेगा। देख सकते हैं गाइस, अंदर एक और कवर आएगा। इसमें आपको थोड़े और बोल्ट मिलेंगे जिससे आपको स्क्रू ड्राइवर की वजह से खोल लेना है। अभी हम इसका सिर्फ एयर फिल्टर साफ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से मार्केट नहीं खुल रहा है और हमें नया एयर फिल्टर नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हम सिर्फ एयर फिल्टर को खोल के उसको साफ कर रहे हैं। अगर आपको के साथ भी ऐसा होता है तो आप इससे ईजिली इसको साफ कर सकते हैं। ऐसी कोई झंझट नहीं है, आप आराम से ये काम कर सकते हैं। देख सकते हैं दूसरा भी कवर इजीली खुल जाएगा आपका। इस तरीके से आपको अंदर एयर फिल्टर दिखेगा। इस एयर फिल्टर को निकालने के लिए आपको जोर ज़्यादा दम नहीं लगाना है, धीरे से आपको इसको खींचना है तो आपको एयर फिल्टर हाथ में आ जाएगा। इसके अपने जो भी आप आज वीडियो पर देख रहे हैं वो एयर फिल्टर है, उसको आप हाथ से या फिर किसी कपड़े से अच्छे से साफ कर लें। ये जो एयर फिल्टर है कागज का होता है, तो इसके लिए इसको पानी से बिल्कुल भी मत धोना, नहीं तो ये पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसको सिर्फ आप किस तरीके से कपड़े से मार मार के आप साफ़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई सा पंप हो तो उससे हवा भी मार सकते हैं, जिससे ये और अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसको आप अच्छे से साफ़ कर लेना, साथ ही साथ इसका जो अंदर का कवर है जहाँ ये लगा था उसको भी आप अच्छे से साफ़ कर लें। वहाँ पर भी काफ़ी धूल मिट्टी और कुछ पत्तियाँ रहती है, उसको भी अच्छे से साफ़ करने के बाद अंदर के बॉक्स में बिल्कुल भी पानी मत लगाना। आपको पानी की कोई ज़रूरत नहीं, आपको जो कपड़े से या फिर आप एयर से साफ़ कर सकते हैं। पानी आप बिल्कुल मत लगाना और वापस और एयर फिल्टर को वापस लगाने के लिए आपको कवर के स्विच डालना है। जैसे कि आप अंदर पुश करोगे एक लॉक आएगा, वो लॉक की आवाज़ आएगी, यानी कि आपका एयर फिल्टर सही जगह से लग गया है। वो लॉक अंदर आपको अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये है वो लॉक। आप अंदर से धक्का लगाना है, ज़्यादा जोर मत लगाना, और वापस से आप उसका कवर लगा देना। लगाते से आप इसको हल्का सा ठोकना, क्लिक की आवाज़ आएगी। जैसे ही वो आ जाए यानी हाँ आपका कवर सही से लग चुका है। इस तरीके से आप अपने एयर फिल्टर को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके स्क्रू को वापस जैसा का वैसा लगा दीजिए, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं इस स्क्रू ड्राइवर की वजह से। आई होप आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।